अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुमार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विविध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम, इन सब को बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने आप एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं। और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है।
भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम हैं। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। साथियों, ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वॉटरवेज, हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमईज के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्प्टिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमईज को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमईज को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाइड, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत,
हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।